हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका वीरू सर जीएस क्लासेस में स्वागत है। करंट की इस बेहतरीन श्रृंखला में आपका फिर से पुनः स्वागत करता हूं। और बात किया जाए बच्चा, तो करंट का अति महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने आ चुका है। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं। बेहतरीन प्रश्नों के साथ मैं करंट के डेली हाजिर होता हूँ, और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो आज का सबसे बेहतरीन और सबसे उमदा प्रश्न आने जा रहा है भैया, और ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी करंट। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा यह कह रहा है कि भैया, अमृत सरोवर, आपको पता होगा जब देश में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे थे, जब देश में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, तो सरकार ने अमृत महोत्सव के तहत क्या शुरू किया था? अमृत सरोवर शुरू किए थे। मतलब भैया था कि हर जिले में, भैया आपने देखा भारत के 75 जिलों में क्या बनाने थे? तालाबों का निर्माण कराना था। अमृत सरोवर क्या बनाने थे? अमृत सरोवर। और उसी कड़ी में पूरे भारत में स्कीम चलाई गई थी अमृत सरोवर की। और उसी में आपने देखा था देश का, अब भाई देश का है तो भाई राज्य का तो पहला होगा, देश का पहला अमृत सरोवर जो बना था उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनके तैयार हुआ था। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में पहला अमृत सरोवर कहाँ बना था? रामपुर में बनके तैयार हुआ था। अब उसी कड़ी में क्या हुआ है बच्चा, एक रिपोर्ट जारी की गई, और रिपोर्ट जारी ये की गई है, कहा गया उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से नंबर एक जिला भैया कौन आया है? लखीमपुर खीरी। कौन आया है? लखीमपुर खीरी का क्या स्थान है भैया? नंबर एक पर लखीमपुर खीरी है। सबसे ज्यादा अमृत सरोवर कहाँ बनके तैयार हुए? लखीमपुर खीरी में। तो में चर्चा में तो ये था, लेकिन पेपर में ये पूछा जा रहा है अमृत सरोवर पहला कौन था, तो अमृत सरोवर पहला कौन है? रामपुर में बना था बच्चा। और सबसे ज्यादा अमृत सरोवर कहां बने हैं? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर है गोरखपुर। कौन है बच्चा? गोरखपुर, बाबा की नगरी गोरखपुर है भैया दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आपका अपना कौन है? प्रतापगढ़ है। कौन है? प्रतापगढ़ तीसरे नंबर पर है। तो भैया सबसे ज्यादा अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में कहां बने हैं? लखीमपुर खीरी में बने हैं। दूसरे पर कौन है? गोरखपुर है। और तीसरे पर कौन है? प्रतापगढ़। कौन है? प्रतापगढ़। आपको पता होगा प्रतापगढ़ के बारे में, तो आप कमेंट करके जरूर बताओ कि प्रतापगढ़ में कौन सा पक्षी विहार पाया जाता है। आगे चलते हैं और आगे कुछ बातें और आपको बताते हैं इसी प्रश्न में। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले बात किया जाए तो अमृत सरोवर से जब जुड़ी हुई बात आई, तो आपको पता होगा कि नहरों का देश किसे कहते हैं बच्चा? नहरों का देश किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कहाँ हुआ भैया? पाकिस्तान में हुआ। और आपको पता है नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं। अब की बात पेपर में आया था लेखपाल की, नदियों का देश किसे कहते हैं? बांग्लादेश को कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए सबसे पहली नहर का निर्माण किस काल में हुआ, तो तुगलक वंश में हुआ था बच्चा। और तुगलक वंश में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया। लेकिन सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। ये तो इतिहास से जुड़ा हुआ। बात करें भारत की, बच्चा यहां से लिख लेना, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, जो हरिकेन बैराज से, पंजाब में क्या है, हरिकेन बैराज है, जहां पर सतलज और ब्यास नदियां आपस में मिलती है, वहीं से एक नहर निकलती है जिसका नाम है हरिकेन बैराज। वो भारत में क्या है? इंदिरा गांधी सबसे बड़ी नहर है। और इंदिरा गांधी नहर को ही राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता। ये बड़े महत्वपूर्ण स्टैटिक के प्रश्न होंगे। बात किया जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है? शारदा। कौन है? शारदा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शारदा भारत में कौन है बच्चा? तो भारत में आपकी कौन होगी? तो इंदिरा गांधी होगी। और सबसे ज्यादा नहरें कहां पर है? तो पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न देखते हैं उत्तरी कोरिया। भैया बड़ा चर्चा में आया भैया, ये बैल देश है ना, इसके यहाँ कोई चीजें क्लियर नहीं रहती, ना इनकी कोई न्यूज आती, फर्जी चीजें हैं, ठीक है ना। उत्तरी कोरिया एकदम फर्जी देश ही मैं मानता हूँ। दो कोरिया है बच्चा, एक आपका उत्तरी कोरिया है और एक नीचे क्या है बच्चा, दक्षिणी कोरिया। क्या है? दक्षिणी कोरिया। तो हम चर्चा कहाँ की कर रहे हैं बच्चा? उत्तरी कोरिया। जितना बैल देश कौन है? उत्तरी कोरिया। उतना ही अच्छा देश कौन है बच्चा? दक्षिण
दक्षिणी कोरिया, उतना बेहतरीन डेवलपमेंट कहां पर है, दक्षिणी कोरिया। लेकिन ये चर्चा कहां की है, उत्तरी कोरिया की, और उत्तरी कोरिया ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, परमाणु संपन्न देश घोषित किया। ये इतना चुट्टा है, और ये स्वयं आया कहा, सुनो दुनिया वालों मेरे पास भी क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो दुनिया में परमाणु संपन्न देश कौन बना है बच्चा, तो उत्तरी कोरिया बना है। यहां में क्या है, तानाशाह है। तानाशाह कौन है, किंग जोंग-उन है। आपको पता होगा ऐसे ऐसे आंखें हैं, मुंह बड़ा का है, बाल छोटे छोटे रखता है, इसका इसके यहां बहुत ज्यादा तानाशाही, कोई न्यूज व्यूज नहीं आती बच्चा, वही है। और भैया बात क्या जाए, तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में अलग करने वाली एक रेखा है, और इस रेखा का नाम है बच्चा अर्धस्मिही अक्षांश रेखा। क्या नाम है, अर्धस्मिही अक्षांश रेखा। पेपर में पूछा जाता है उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करने वाली रेखा कौन है, तो अर्धस्मिही अक्षांश रेखा है बच्चा। और बात किया जाए भैया यहां से और कोरिया के बारे में, तो कोरिया के बारे में सबसे डेवलपमेंट कौन है, तो दक्षिण कोरिया है। सबसे बेहतरीन कौन है, दक्षिण कोरिया। तो भैया टेक्नोलॉजी भी कौन आ गया है, दक्षिण कोरिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप देख रहे हो स्क्रीन पर है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी पुण्यतिथि मनाई गई। क्या मनाई गई, पुण्यतिथि मनाई गई। हिंदी जगत की बहुत महान लेखिका में से गिनी जाने वाली महिला है, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो पेपर में छपने वाली बातें होंगी। महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि कब मनाई गई है बच्चा, तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है 11 सितंबर। कब मनाई गई है, 11 सितंबर को मनाई गई है। तो महादेवी वर्मा की पुण्यतिथि कब मनाई गई, 11 सितंबर को मनाई गई है। बात किया जाए इनके को लेके, इनका जन्म भैया है 1907 में हुआ। कब हुआ, 1907 को हुआ। कहां हुआ, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। कई बार पेपर में आया कहां जन्म हुआ, तो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। लेकिन इनकी मृत्यु कब हुई बच्चा, तो 11 सितंबर 1987। कब हुई बच्चा, 11 सितंबर 1987 को हुई। कब हुई थी, 11 सितंबर। इसी दिन क्या मनाया, पुण्यतिथि मनाया, इसलिए चर्चा में है। तो भैया इनका इनकी मृत्यु कहां हो गई, इलाहाबाद। और इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे 1956 में क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है बच्चा। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, इंपॉर्टेंट होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, 1982 में मिला। और इनकी रचना क्या क्या है बच्चा, प्रमुख रूप से तो दीप शिखा है, नीरजा है, अग्निरेखा है, रश्मि है, ये सब इनकी क्या है, रचनाएं है। तो महादेवी वर्मा की अभी हाल ही में क्या मनाई गई, पुण्यतिथि मनाई गई है। और इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ, मृत्यु कहां हुई, इलाहाबाद। हिंदी की बहुत प्रसिद्ध भैया लेखिका है। आगे चलते हैं, इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया बच्चा, बहुत संघर्ष किया। आगे प्रश्न देखते हैं, राखी गढ़ीगांव है ना, राखी गढ़ीगांव का नाम बड़ा चर्चा में आया, और ये चर्चा में इसलिए आया, राखी गढ़ीगांव कहां पर है, तो सबसे पहले आपको पता होगा ये कहां पर है, हरियाणा। कहां पर है, हरियाणा में है बच्चा, हरियाणा में। राखी गढ़ीगांव कहां पर है, हरियाणा में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू की गई और कब की गई, कमेंट करके बता देना बच्चा। राखी गढ़ीगांव के बारे में बात किया जाए, ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि यहां क्या हुआ है, दुनिया का, भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय, हड़प्पा के बारे में मतलब संग्रहालय खोला गया, म्यूजियम खोला गया, जिसमें हड़प्पा से जुड़ी हुई मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई चीजों को रखा जाएगा। तो कह रहा दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय कहां खोला गया, तो इसी राखी गढ़ी गांव में खोला गया। और राखी गढ़ी गांव कहां पर है, हरियाणा का एक क्या है, गांव है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, काशी सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहते, कांस्य सभ्यता कहते, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आगे और बात करें बच्चा, आगे की और बात करें तो आपको पता होगा, आगे की जब बात करेंगे तो आपको पता होगा। यहां से देखो, यहां से बात किया जाए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, आपको पता होना चाहिए ये समय है भैया 1921 का। कब, 1921 में जॉन मार्शल, कौन है भैया, जॉन मार्शल ने दया राम सहानी के सहयोग से पहली बार क्या किया था, हड़प्पा नगर में क्या किए थे, खुदाई कराए थे। तो पूछा जाएगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला कौन सा नगर खोदा गया था या सर्वे किया गया था, तो हड़प्पा में किया गया था। और ये हड़प्पा शहर वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान। कहां पर है, पाकिस्तान।
विचार तो जॉन मार्शल ने कब 1921 में किया था, किसके सहयोग से, दयाराम सहानी के सहयोग से किया था। तो ये भैया आज के महत्वपूर्ण 5 प्रश्न थे करंट के। आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगता है। ज्यादा से ज्यादा लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, 400 लोग लगभग देख रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि डेली 10 क्वेश्चन कर दूं और लाइव आने का प्रयास करूंगा। तो एक बार सभी लोग सहयोग बनाए और सहयोग बनाओ तभी हो पाएगा बच्चा। ये वीडियो मालूम कितने बजे शूट कर रहा हूं बच्चा आपको, 3 बजे है सुबह के मैं शूट कर रहा हूं। इससे पहले राजपूत काल में पढ़ाया हूं और 2 बजे के करीब अब 3 बझे करंट पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। और बारिश झमाझम हो रही, तो आप कमेंट करके बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं आगे की क्लास में।